नमस्कार दोस्तों, प्लेसमेंट तक में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं यहाँ पे एक और नई वैकेंसी के साथ। इस वैकेंसी में दोस्तों 100% फ्री जॉब मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। और ये जॉब 12th ITI डिप्लोमा BTech सभी कैंडिडेट के लिए है, तो कम से कम आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको कैसे जॉब मिलेगी, आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है संग्राम ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे नाम से ही आप लोग जान जाते होंगे कि ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑटो प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे कि कार की कोई चीज़ें हो गई या फिर बाइक की कोई चीज़ें, जैसे केबल या फिर कोई भी पार्ट जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे ये प्रोडक्ट बनाती है। तो उसमें दोस्तों ये कंपनी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो जो लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ, तो उनके लिए अच्छा एक सुनहरा अवसर ये हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो अभी डिपार्टमेंट खाली है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस और लाइन पे भी काम यहाँ पे होता है। तो दोस्तों विदाउट लाइन और लाइन पे दोनों जगह काम होता है, तो आपको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन मैं दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे 12th ITI पास, डिप्लोमा पास और BTech सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें इनकी उम्र सीमा जो है 18 से 30 साल तक की ली जाएगी। मेल कैंडिडेट ही इनको चाहिए हैं, फीमेल के लिए भी इस कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही तरीके के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, जिन्होंने कहीं पे भी काम किया है या नहीं किया है वो लोग यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 100+ वैकेंसी है, और ड्यूटी जो आपकी रहेगी वो 8 घंटे रहेगी और 12 घंटे भी रहने वाले हैं। तो मिनिमम ड्यूटी जो है आपकी, जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 8 घंटे की मिलेगी, प्लस ओवर टाइम यहाँ पर चलता है, और महीने में आपको संडे या फिर किसी भी दिन एक हफ्ते में आपको छुट्टी मिल जाएगी, और यहाँ पे 26 दिन आपको काम करना होगा। सैलरी यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, जिसमें 12th की सैलरी 8 घंटे की 12,000 रुपये रहेगी इन हैंड, PF वगैरह कटने के बाद में, प्लस यहाँ पे जो 12 घंटे की सैलरी है वो 18,500 रुपये रहेगी इन हैंड। अब आप किस में करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। दोस्तों यहाँ पे ITI के लिए 8 घंटे की 13,000 और 12 घंटे की यहाँ पे 19,500 रुपये सैलरी देखने को मिल जाएगी। डिप्लोमा वालों को 8 घंटे की 14,000 रुपये, 12 घंटे की 20,500 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, प्लस आपका जो भी फैसिलिटीज़ रहेंगी वो अलग से रहने वाली हैं। 8 आवर का यहाँ पे 26 दिन का जो ड्यूटी रहेगा आपका 15,000 रुपये मिलेगा BTech वालों को, और 12 घंटे के यहाँ पे 22,500। तो ये सैलरी जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रहेगी। कंपनी में बस की फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ये अवेलेबल है। तो जो भी, अगर आप बस फैसिलिटी चाहते हैं तो मिनिमम कॉस्ट पड़ सकता है या फिर फ्री भी हो सकती है। मेडिकल फैसिलिटी यानी ESI के तौर पे आपको यहाँ पे कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, जुकाम बुखार ऐसा कुछ भी, तो वहाँ पे दवा भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो हर कंपनी का रहता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट, रिज्यूमे, ये पूरे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको पहले तो कॉल करनी है, और ये कंपनी का एड्रेस है W39 MIDC बालूच औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको जाना नहीं है, पहले आपको कॉल करनी है आदित्य सर को या फिर ललित सर को। तो इनके नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप लोग कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट हैं वो पहले क्लियर कर लें। और यदि आपसे कोई पैसे की मांग करता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कभी भी जॉब के लिए किसी को भी अपना नंबर दें, लेकिन कभी भी किसी को OTP वगैरह ना दें, ताकि आपका जो भी पैसा है या फ़ोन है वो सिक्योर रह सके। कभी भी किसी के मांगने पर OTP वगैरह ना दें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी,
और इसके लिए आपको पूरी जानकारी मैंने बता दी है। और इसको पढ़ने के लिए आप लोग placementtech.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।